ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हम सब ईश्वर से, परमात्मा से, गुरु महाराज से एक बड़ा ही सुंदर प्रार्थना है, उस प्रार्थना को करें, फिर उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय, यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी हो। सनातन धर्म की सोच कितनी महान है। सुख और दुख भाई है, लेकिन सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम, और सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब प्रकाशमय हो, उसके बाद हम प्रकाशित हो, ऐसी भावना रखता है। ये सनातन धर्म के विचार का एक बहुत जीता जागता कीर्तन है कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय, यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोय। आपके भक्ति में प्रेम से, आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा कोसों भागे दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममईस, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाय के सबको करो निहाल, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धरु धीरता हे मेरे करतार, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान, दीजय दया धर्म का दान, दीजय दया धर्म का दान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया बचे न कोय, यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोय। अर्थ तो अस्पष्ट है, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास हम लोग करेंगे कि ये सनातन धर्म की और संतों की, भक्तों की यही सोच है कि संसार में सब सुखी हो। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में मान लिखा है कि अगर सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, पाप है तो पुण्य है, जीवन है तो मृत्यु है।
ये सुख और दुख दोनों भाई हैं, फिर भी दुख में भी अपने आप को सुख की अनुभूति करना एक सुख है। तो सोच कितनी सुंदर सनातन धर्म की है। अन्य धर्मों है में है कि हम सुखी रहें, हमारा राज्य पूरी दुनिया में हो जाए, हमारे सिवा अगर कोई है इस संसार में तो वो काफिर है। लेकिन सनातन सबको जीने की, सबको सुखी रहने की अपनी विचारधारा को पुष्ट करता है। तो सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। भगवान कोई दुखी न रहे। इस संसार में सुखी कौन है और दुखी कौन है? हम लोगों ने समझ रखा साधारण शब्द में कि जिसके पास बहुत पैसा है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, मोटर है, बहुत सारा जमीन है, वो सुखी है। लेकिन वहां भी आम तौर पर देखा गया है कि वहां भी कम ही सुख नजर आता है। सुखी वही है जो राम का दास है, भगवान का भजन, चिंतन, ध्यान, पूजा कर रहा है और दुख में भी कहीं न कहीं से सुख ढूंढ रहा। अगर पैर में दर्द है तो ये सोच रहा है कि भाई भगवान की कृपा है, भगवान ने कहा बैठ करके भजन कर, इसीलिए दर्द दे दिया। अगर आंख से रोशनी कम दिख रही है तो वो दुखी नहीं हो रहा है कि इधर जाऊं उधर जाऊं, बल्कि व्यायाम खान पान सही करके ये सोच रहा है भगवान अब थोड़ी रोशनी कम इसलिए कर रहे हैं कि अब तुम मुझे देख, अब दुनिया को बहुत देख लिया। तो दुख में भी सुख की अनुभूति करना सुख है। और बाकी सुख दुख तो सभी के पास, भगवान के पास भी शारीरिक और मानसिक दोनों दुख आए, भगवान को भी सुख दुख की अनुभूति हुई। तो अगर इस संसार में दुख को खत्म करना है तो उसका एक ही रास्ता है कि दुख में भी सुख ढूंढे। तो सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। हे नारायण, ये हमारी अभिलाषा है, इच्छा है। एक होती है निराशा और एक होती है आशा। एक हुआ कि ग्लास आधा गिलास भरी है, ये निराशा हुआ। और आशा क्या हुआ? गिलास में आधा पानी है। दोनों दो शब्द हो गया। गिलास तो आधा ही भरी है, दूध तो आधा ही भरा है, ये निराश होके आपने कहा, लेकिन गिलास में आधा गिलास दूध है। तो उसी तरह से हमारी भगवान अभिलाषा है कि संसार में सब सुखी हो, सबके अंदर वो गीता का भाव जगे कि सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। अब बहुत से आदमी होते हैं सुख में उछड़ने लगते हैं और दुख में रोने लगते हैं। कांटा गड़ेगा तो हम भी रोएंगे, कोई बीमारी होगी माथा दर्द करेगा हमें भी दुख होगा। तो सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना, ये तो जीव का स्वभाव है। लेकिन जो गीता के अनुसार चलता है वो दोनों में सोचता है, विचारता है, संयम रखता है। संयम ही सबसे बड़ा शत्रु को मारने का अस्त्र है। इसलिए भगवान ने कहा सौरज धीरज तेहिरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो इसलिए भगवान यह अभिलाषा है कि इस संसार में कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
और सुखी राम का दास, तो जो राम का दास हो जाता है वो दुख में ही सुख ढूंढने लगता। भाई कांटा क्यों गड़ा, हो सकता है आगे गोर ही कटने वाला हो, भगवान कांटे गड़ा के रोक दिए। मतलब अवसर ढूंढिए आप। तो आगे कहते हैं कि भगवान सब में विद्या हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या सा ब्रह्म गति प्रदाया। बुद्धि का मतलब नहीं किसको हम कितना ठग लें, कितना लूट लें, लपेट लें। एक यह भी बुद्धि लोग बड़ा बेटवा हमर बुद्धिमान है, नहीं। बुद्धि का मतलब किसी का भला हो जाए आपकी बुद्धि से, आपके अच्छे ज्ञान से कोई सदमार्ग पर चलने लगे, आप जो जानते हैं आपकी बुद्धि अगर अच्छी जानती तो किसी को पढ़ा दीजिए वो भी अच्छा जानने लगे। विद्या भगवान के तरफ उन्मुख करती है, ये बुद्धि भगवान में लगाना है। तेज बल, तभी तेज भी शरीर में बढ़ेगा, बल भी बढ़ेगा, और भगवान ये सबके भीतर होए, और तभी संभव है जब आपकी कृपा होगी, क्योंकि आपके कृपा के बिना हो नहीं सकता। सोई जानहु जेहि देहु जनाई, आप ही अगर करेंगे तो हो पाएगा। इसलिए भगवान दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई, सब पढ़े लिखे हो, सब बुद्धिमान हो, सबका चेहरा तेज हो, तेज से चमकता रहे, सबके अंदर आत्मबल हो, दूध भी घर में हो। आजकल तो दूध हो चाहे नहीं हो, फ्रिज में कहेगा हमारे यहां तो 2 बोतल दारू एनी टाइम रख कर लेता है, कहेगा हमारे पॉकेट में 2 पैकेट गांजा एनी टाइम रहता है, हम दिन भर में 4 ठो एडवांस पी जाते हैं, तो हम दिन भर में पता लगा बियर पी जाते हैं। लेकिन नहीं, हमारे सनातन धर्म की जो इच्छा है और जो अच्छे सनातनी है भक्त हैं वो दूध पीते हैं। बचपन में जब सब जन्मता तो माँ का दूध, बड़ा हुआ तो गाय का दूध, गौ माता का दूध। पूत माने बेटवा, भगवान सबके घर में बेटा बेटी हो, सबका वंश चले, निर्वंश कोई न हो। धन, बाहरी धन भी हो जिससे 2 रोटी चले, और आत्मिक धन भी हो, वंचित रहे न कोई। इस संसार में जो भी जन्मा हुआ प्राणी है प्रभु सबको आप दो, यही मेरी अभिलाषा है। यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी होए, यही संत की, अच्छे व्यक्ति की, विचारवान और सनातन धर्म की यही अभिलाषा है। और यही अभिलाषा हर धर्म वालों को सीखना चाहिए, तब जाकर के एक पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में इंसानियत का राज होगा। तब कहते हैं कि आप पहले पूर्वज लोग भी ऐसा ही रखते थे, कहीं आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, भगवान आपके भक्ति भाव में ये मन लगा रहे, मन विषयों में न जाए, भक्ति प्रेम में खूब भरपूर रहे, और राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर। किसी की बरकत देख के द्वेष न हो, कहीं पर ज्यादा राग न हो, लगाव न हो, क्योंकि राग भी दुख का कारण है और द्वेष भी दुख का कारण। आप किसी से इतना प्यार कर बैठते हैं, अगर धोखा मिलता है तो क्या आप दुख होता है, और आप किसी से इतनी घृणा कर देते हैं कि तो भी आपको दुख मिलता है। इसलिए मन को राग और द्वेष से उपराम करना ही वैराग्य है। तो भगवान राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर, कोसो हम दूर रहें, मतलब उससे बहुत दूर रहें प्रभु जब आपकी कृपा होगी। और मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश,
हे जगदीश, जैसे आपने अर्जुन को भरोसा दे दे करके महाभारत जिता दिया, अपने स्वरूप को दर्शन दिखा दिया, उसी तरह से हे नारायण, आपका भरोसा आशीर्वाद जब साधक भजन करने लगता है, जब व्यक्ति आध्यात्मिक राह पर चलने लगता है, तो भगवान गुरु हृदय से उसको बाहर से भी और हृदय से भी दिलासा देते हैं, लगे रहो। अब और कुछ दिन बाकी, दादा गुरु महाराज जब भजन करने लगे, हमारे पूज्य स्वामी जी के गुरु महाराज, भगवान पग पग दिलासा, अब आपका भजन ऐसे है, अब इतना यहाँ जाओ, यहाँ दूध मिलेगा मत पीजिएगा, यहाँ ऐसे ऐसे। तो भगवान भरोसा देने लगते हैं, तो मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। बस आशा एक राम की, दूजी आशा छोड़ दे भगवान, बस आपके नाम की आशा बनी रहे, बाकी दुनिया में किसी की आशा न रहे। आशा एक राम से हो, कहें दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो इसलिए प्रभु आपसे ही आशा है कि आप भक्ति भजन भाव सुखी विद्या तेज बल दूध पूत धन धान्य आप ही दे सकते हैं, आप ही से आशा है, बाकी संसार वाले क्या देंगे। तो इसलिए आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश, हे मेरे ईश्वर, हे जगदीश्वर, आपके नाम की आशा बनी रहे। इसलिए अगर भगवान ने भी रामायण में कहा कि मोर दास कहाई न रे आशा, करहूं तो करहूं कहां विश्वासा, मेरा दास हो करके अगर किसी अन्य की आशा करता है तो मुझ पे विश्वास कब किया। इसलिए भगवान आपकी ही आशा बस रहे। आगे कहते हैं प्रभु पाप से भी आप हमें बचा सकते हैं, क्या पाप है क्या पुण्य है ये हमें नहीं पता है भगवान। अपनी आत्मा को बार बार अधोगति में ले जाना ही पाप है, और भजन चिंतन कर नाम जप गीता पढ़ इस आत्मा को अधोगति से बचा लेना, ईश्वर चरणों में मन को समर्पित कर लेना, मुक्ति पा लेना ही पुण्य है। तो इसलिए हे भगवान, ये बार बार 84 लाख योनि वाली पाप से आप ही बचा सकते हैं, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। हे भगवान, हे दया के सागर, आप अगर मेरे अवगुण को देखेंगे तो फिर अवगुण ही देखते रह जाएंगे, इसलिए आप दया के सागर हैं, दया करो और हमें अनंत गर्भ यातनाओं से बचाओ, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। प्रभु सबको भी आप अपना भक्त बनाओ, और साथ में मुझे भी नारायण अपना भक्त बना के निहाल कर दो, क्योंकि मुझ में इतनी क्षमता नहीं कि मैं आपका भक्त बन पाऊं। अर्जुन सखा समझता था, रिश्तेदार समझता था, भाई समझता था, लेकिन जब भगवान ने प्रभाव दिखाया तो भगवान का भक्त बन गया और कहने लगा प्रभु आप भगवान हैं, मैं आपका भक्त हूं, आप गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आप परमेश्वर हूं और मैं आपका एक छोटा सा दास हूं, इसलिए अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धरूं धीरता, हे मेरे करतार। हे प्रभु, मेरे दिल में दया हो और उदारता हो। बहुत से व्यक्ति होते हैं जो क्रूर होते हैं, न उदारता होती है, कोई गरीब चला गया ही नहीं दो रोटी खिला दें, और न दया ही होगी, रात दिन लेग पीस बोले लेग पीस लाओ, बेचारा का लेग कट गया और तोरा लेग पीस बढ़िया नहीं बना है। तो न दिल में दया है जीवों के प्रति,
और न आपस में मनुष्यों के प्रति उदारता है, और मन में प्रेम है अपार। इसलिए हे प्रभु, दिल में हमारे दया दो, उदारता दो, और मन में अपने प्रति अपार प्रेम। ये प्रेम घटे नहीं भगवन, दिन दिन बढ़त सवायो। ये प्रेम आपके प्रति दिन दिन बढ़ता जाए। प्रेमी की पहचान क्या है तो कहे गदगद गिरा नयन बह नीरा। पूज्य दादा गुरु महाराज कहे जब तुम्हारे आंखों से आंसू बहने लगे, भगवान के प्रति समझ लेना कि तुम्हारा भजन जागृत हो गया, प्रेम भगवान में लग गया। तो एक तो दुनिया से लोग प्रेम करते हैं, बेटा बेटी से प्रेम करते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से प्रेम करता है, लेकिन वास्तविक प्रेम है जो ईश्वर से, नारायण से, अपने स्वरूप से प्रेम करता है। और हृदय में धरूं धीरता हे मेरे करतार, भगवान धैर्य हो, क्योंकि धैर्य के बिना भक्ति पूरी ही नहीं होती। अब आज 10 घंटा राम 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 जप लो, या आज 10 घंटा बैठ के खाली पढ़ लो किताब, कल से एको मिनट नहीं पढ़ो। धैर्य के साथ लगे रहना ही भक्ति है, और धैर्य के साथ लगे रहना ही तुम्हारी पढ़ाई। किसी भी कार्य में, संसारिक हो आध्यात्मिक हो, उसमें धैर्य होना चाहिए। आप किसान देखिए कितना धैर्य रखता है, सरसों जाके छींट दिया, धैर्य पूर्वक बैठ जाता है, धीरे धीरे ओला है, पानी है, पत्थर है, उससे बचा के फिर राई सरसों लाता है, तेल पेरा के फिर घर में खाता है। माँ कितना धैर्य रखती है, एक बच्चे को 9 महीना पेट में पालती है, फिर जन्म लेता है, फिर पोसती है, बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, फिर वो बच्चा जा करके बहुत दिनों बाद सेवा करेगा कि नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन माँ धैर्य पूर्वक उस बच्चे को पालन पोषण कर उसे कमाने लायक बनाती है। चिड़िया हो, पक्षी हो, जो भी हो, धैर्य। इसलिए भगवान आप धैर्य दो, भक्ति के साथ साथ, प्रेम के साथ साथ धैर्य दो, क्योंकि अगर धैर्य नहीं दोगे तो थोड़ा भी दुख आएगा तो नारायण विचलित हो जाऊंगा। इसलिए हृदय में धरूं धीरता हे मेरे करतार, सब कुछ आप करने वाले हो प्रभु, मैं बस जीरो हूं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, खाना कोई बना रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, ये वो नहीं कर रहा है, हम जीरो हैं, हमसे वो करवा रहा है। अपने आप को जीरो का भाव रख लीजिए। इष्ट पर समर्थ कहेंगे भाई मर्डरो भगवाने करवा रहे हैं, चोरियो भगवाने करवा, छिनरियो भगवाने करवा रहे हैं, ऐसा नहीं। जब भगवान पर समर्पित हो जाओगे तो भगवान तुमसे गलत होने ही नहीं देंगे। और अब अपने बुद्धि और विवेक से जब तक हम और आप चलते हैं तो गलत और सही का जो भान है तब तक आपसे गलत होगा सही होगा, लेकिन जब समर्पण के साथ आप चलने लगेंगे, अपने आप को जीरो बना लेंगे, तो भगवान गलत के तरफ जाने ही नहीं देंगे। तो हृदय में धरूं धीरता हे मेरे करतार, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान। भगवान साधु का संगत अवश्य दीजिए, क्योंकि संतन के संग लागरी तोरी अच्छी बनेगी। धैर्य, ज्ञान, बल, बुद्धि, विद्या, तेज, तमाम सदगुण जो इस भजन में दिखाए गए, दूध पूत, ये सब तब मिलेंगे जब संतन का संग होगा, साधु की सेवा होगी। पूज्य गुरुदेव भगवान की शरण में न जाने कितने लाखों करोड़ों भक्त जाते हैं, सब धन धान भक्ति बल बुद्धि तेज विद्या दूध पूत सब से भरपूर है। किसी को बच्चा नहीं होता, हो जाता है, किसी के घर में धन नहीं टिकता है, टिकने लगता है, सब उनका आशीर्वाद हो जाता है। तो इसलिए साधु संगत सुख दीजिए। भगवान ने कहा नारद जी से, मैं जब पहली बार प्रसन्न होता हूं तो मनुष्य शरीर देता हूं,
दूसरी बार प्रसन्न होता हूं तो साधु की संगत दे देता हूं, तीसरी बार बोले तीसरी बार प्रसन्न ही नहीं होता। जब मनुष्य शरीर मिल गया, साधु की संगत मिल गई, तो सब मिल जाएगा नारद। और दया धर्म का दान, सबके मन में दया और धर्म होना चाहिए। आपको अगर इंसान बनाता है कोई, तो वो दया और धर्म, दया और धर्म मन में नहीं है तो कहें तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। इसलिए अगर दया धर्म नहीं तो आप इंसान नहीं, आप क्रूर हैं, राक्षस हैं, असुर हैं। इसलिए दीजो दया धर्म का दान, सुखी बसे संसार सब। हे प्रभु सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी होए। आपकी कृपा से भगवन सबको दुख में भी सुख सहन खोजने की क्षमता दे दो नारायण। सुखे दुखे समय कृत्वा का भाव प्रदान कर दो, तभी सुखी हो सकता है इंसान। नहीं तो बहुत धन हो जाए तो भी कोई सुखी नहीं, बहुत कंगाल है तो भी सुखी नहीं। धन वाला सोच रहा है कैसे इसको खर्चा करूं, कंगाल सोच रहा है धन कहां से लाऊं। दुखी दोनों है, सुखी वही है जो दुख में सुख का अवसर ढूंढ ले रहा है, और सुख मिला है तो कह रहा है भाई प्रभु की कृपा है। तो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, तब जब साधु संगत होने लगेगा तो विद्या बुद्धि तेज बल सब बढ़ जाएगा। और दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई, दूध पूत धन धान्य से सब आपके घर में लक्ष्मी गोड़ तोड़ के बैठ जाएगी। लक्ष्मी झाड़ू देते हैं शंभु करे रखवाली। इसलिए खूब भजन भाव चिंतन, राम राम ओम ओम खूब जपना चाहिए, यथार्थ गीता रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, संतों का संगत टूटी फूटी सेवा करना चाहिए, जीव का कल्याण हो जाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।